हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों चैप्टर वाइज यहां पे क्वेश्चंस हिंदी का। ठीक है, हम लोग पहला चैप्टर देख लिए थे, सेकंड चैप्टर को लेकर यहां पे आए हैं। उसने कहा था, जिनके लेखक हैं दोस्तों चंदर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम लोग करने ही वाले हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर से अभी तक आगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए हिंदी का यहाँ पे उसने कहा था चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन। ये सारे आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए है और इंटर एग्जाम 2023 वालों के लिए। ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग टॉप मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पे बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम और न्यू पैटर्न पे। और भी कोई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starcaststudypoint.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक यहाँ पे प्रश्न हम लोग करते हैं। यहाँ पे उससे पहले हम लोग चंदर शर्मा गुलेरी के बारे में, यहाँ पे लेखक परिचय, जीवन परिचय के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, इनके मृत्यु और कौन कौन से यहाँ पे इन्होंने रचनाएँ किए हैं। देखिए, जीवन परिचय में आप लोगों को पढ़ना होगा, चंदर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ। उनका मूल निवास जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश स्थित गुलेर नामक ग्राम में। ठीक है, उनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। उन्होंने बचपन में संस्कृत का अध्ययन किया। 1899 में इन्होंने इलाहाबाद व कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक पास की। इन्होंने 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए यहाँ पे किए। ठीक है, 1904 ईस्वी में वे जयपुर दरबार की तरफ से खेत्री के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर अजमेर के मायो कॉलेज आए। उसके बाद 1916 में वे इस कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अपने अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य बने तथा मनिंदर चंद्र नंदी पीठ में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। इसके बाद 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हो गया। जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को और निधन हो गया 12 सितंबर 1922 को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं इसके द्वारा, इसको आप लोग जान सकते हो। जैसे यहाँ पे बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन उसने कहा था, ये पूछा जाता है 1915 ईस्वी में। ठीक है ना, और टोटल इसके कितने कहानियाँ था, तो टोटल 3 कहानी, बुद्ध का कांटा, उसका सुखमय जीवन और उसने कहा था। ठीक है, निबंध भी लिखे हैं यहाँ पे, टिप्पणियाँ, संपादन, साहित्यिक विशेषता, ये सारे आप लोग यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसको भी आप लोग पढ़ लेना कि उसने कहा था जो है ये कहानी है। ठीक है ना, प्रस्तुत कहानी उनकी अमर कृति है जिसे हिंदी कहानी में मील का पत्थर माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। देखिए, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आ गया उस तरह का कि मील के पत्थर का कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, उसने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग कहा गया कि तेरी कुरमई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो ये उसने कहा था चैप्टर से ही संबंध है जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे चंदर शर्मा गुलेर जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में, तो ये भी उसने कहा था कहानी में ही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धू का कांटा रचना किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो बुद्धू का कांटा रचना चंदर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कहानी है इसके। अगला है कि चंदर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे, तो ये 20वीं सती के थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग कहा गया कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है, तो चंदर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा टोटल 3 कहानियाँ लिखी हुई है जो काफ़ी पॉपुलर है तीनों। ठीक है, याद रखिएगा 6 का C। अगला हमारा कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, नायक मुख्य पात्र के रूप में कौन उभर कर आते हैं इस कहानी में, तो उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर लहना सिंह। ठीक है ना, लहना सिंह यहाँ इस कहानी का मुख्य पात्र है, नायक माने जाते हैं। अगला हमारा कि इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो ये हरे को हरी नाम, ये तो लिखा हुआ है ना, तीनों कहानी है इसका। ठीक है ना, कहानी है चंदर शर्मा गुलेरी के द्वारा, लेकिन हरे को हरी नाम जो है ये लिखा हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी जो है ये युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी, मतलब इनमें से सभी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा उसने कहा था चैप्टर में। अगला हमारा 10 नंबर, कहा गया कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो अमृतसर का किया गया है। ठीक है ना, पंजाब के अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है।
अगला हमारा कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या रहता है। तो लहना सिंह के जो गांव का नाम रहता है दोस्तों, उसका नाम है आपका मांझे। क्या रहता है? मांझे, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा कि लहना सिंह किस पद पर था, इस कहानी में दर्शाया गया जो है चित्रण जो किया गया है, तो लहना सिंह किस पद पर था, तो वो था आपका दोस्तों यहाँ पे जमादार के, ठीक है ना। तो लहना सिंह किस पद पे थे, तो ये जमादार। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो लहना सिंह जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुआ था दोस्तों यहाँ पे वजीरा सिंह की गोद में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा कि पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का जो विदूषक था दोस्तों ये था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम रहता है दोस्तों वो बोधा सिंह रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोधा। अगला हमारा 16 नंबर कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो ये जर्मनों के साथ हुआ था ना, मतलब जर्मनियों के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, जर्मनी के साथ। अगला है हमारा कि जर्मन, ठीक है ना, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। तो जर्मन लप्टन को जो मार गिराया था दोस्तों वो लहना सिंह ने गिराया था, ठीक है ना, मार गिराया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारा कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था दोस्तों ये था 77। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हमारा कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दी थी वो दिया था आपको यहाँ पे लोयलपुर में। कहाँ पे? तो लोयलपुर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था ये आपका जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है ना। और अगर गांव का नाम पूछा जाएगा, गांव का नाम, तो ये गुलेर नामक, ठीक है ना, जो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर की सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन जो है ये चंदर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है, ये कहानी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीन टोटल कहानियाँ लिखा है उसने। कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो ये चंदर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है, उसने कहा था। ये प्रकाशित हुआ था 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में। अगला है हमारा कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म भी है चंदर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ ये निबंध है, ठीक है। अगला है कि पुरानी हिंदी रचना है। तो पुरानी हिंदी भी जो रचना लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है दोस्तों आपका चंदर शर्मा गुलेरी, जो उसने कहा था कि लेखक है। अगला है कि कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें सही उत्तर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम, जो गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारा कि कुरमई का क्या अर्थ होता है। तो कुरमई का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी। तो सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, मंगनी। अगला है हमारा कि बोधा कौन था, बोधा सिंह। तो बोधा सिंह जो रहता है दोस्तों वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, ठीक है ना, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो यहाँ पे जो हजारा सिंह हो गया ये सूबेदार हो गया, और लहना सिंह जो रहता है वो आपका जमादार हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा क्या कि चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारा कि कौन सी कहानी चंदर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो कफन, ये तीनों लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, टोटल तीन ही कहानियाँ उन्होंने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कफन चंदर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहानी लिखा हुआ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 30 नंबर, कहा गया कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, ठीक है ना। तो गुलेरी जी जो थे ये गुलेर गाँव के मूल निवासी थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं उसने कहा था चैप्टर से, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग लेकर आएंगे संपूर्ण क्रांति, जिनके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी, उनसे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग उसने कहा था चैप्टर से, जो चंदा शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ था, जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आप लोग के यहाँ पर बताए, और सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं किसने किस ईयर्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।